वंदे मातरम अमन समाज सैनिक कुशाग्र भारतीय विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। पहले मैं ये समझा दूँ विश्व व्यापार क्या है। हम लोग व्यापार करते थे स्टार्टिंग से ही और अभी तक करते हुए आ रहे हैं। कई लोग अपने व्यवसाय से व्यापार करते हैं, कई लोग किसी और चीज़ से व्यापार करते हैं, कई लोग सेवाओं का व्यापार करते हैं, कई लोग वस्तुओं का व्यापार करते हैं, कई लोग मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार करते हैं। तो इसे देखते हुए भारत या पूरे विश्व की जो संस्था है यूएन यूनाइटेड नेशन को लगा कि हमें विश्व में एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो व्यापार के नियम तय करें। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे देश में जाकर व्यापार करना है तो जाकर देखे कि किस तरह से व्यापार होगा और उसके कुछ नियम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फॉलो किए जाएं, और जो सरकार जो जो जिस देश में आप व्यापार करना चाहते हो, जिस सरकार में आप व्यापार करना चाहते हो, उस सरकार की भी बातें रखी जाए। इससे पहले लोग बाहर व्यापार तो करते थे पर नियम ना होने के कारण कई देश उपनिवेश भी बन जाते थे, जिसका हम भी खुद एग्जाम्पल हैं। तो आज ही के दिन 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार को नियंत्रित करने के लिए विश्व व्यापार संगठित अस्तित्व में आया। ये अस्तित्व में आने का कारण ये था कि जब तक कोई भी कानून नहीं था तो सरकार के चंद मुलाजिमों को अपने तरफ मिलाकर ये लोग अपने पर उस देश पर उस राज्य पर प्रभुत्व जमा लिया करते थे व्यापारी लोग, और उसके बाद उसमें अनलीगल तरीके से भी पैसा कमाते थे, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे। तो इसलिए आज ही के दिन 1995 में 1 जनवरी 1995 में इसे बचाने के लिए लोगों को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। यह जब बात यूएन ने अपने सदस्य देशों में रखी तो सदस्य देशों ने तो के बीच वस्तु और सेवाओं का लेन देन तो था ही, और यह नियम पर आधारित करता है। नियम पर आधारित हुआ तो और व्यापार से जुड़े हुए विवाद भी सुलझ सकते थे इससे। अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं ह्यूमन राइट्स में जा सकता हूँ या फिर मैं विश्व व्यापार संगठन में जाकर इसकी शिकायत भी लगा सकता हूँ। तो इसलिए जो व्यापार से जुड़े हुए विवाद थे वो भी सुलझ सकते थे आसानी से। आज के दिन भारत इसका सदस्य है और टोटल सदस्य कुल मिलाकर इसकी देशों की सदस्यताओं की संख्या 164 हो गई है 2017 तक। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में लगभग आपको समझ में आया होगा कि है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल द इंडियन हिस्ट्री ऑफ 365 डेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। न जात न धर्म कुछ करके दिखाओ क्योंकि तुम में है दम। मैं अमन समाज सैनिक कुशाग्र भारती आपके साथ। मेरे चैनल द इंडियन हिस्ट्री ऑफ 365 डेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।